इधर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम एक नर्सरी में आए हैं, तो नर्सरी में भाई साहब जी हमारे साथ। भाई साहब जी पहले अपना नाम बताओ। दीपक कश्यप। तो भाई कहाँ से रहे हो आप भैया? चंद्रविहार कॉलोनी। तो आप कितने टाइम से कर रहे हैं काम? पाँच साल हो गए। काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस हो गया आपको। और शुरू से इसी में ही है या पहले भी कहीं वो ले रखा आपने? शुरू से यही है। अच्छा जी, और काफ़ी बड़ा है आपका ये जो आपने नर्सरी कर रखी है, काफ़ी बड़ी नर्सरी है आपकी। कितने बीघे में है जी? ये 15 बीघे। 15 बीघे में नर्सरी है। प्लांटेशन का सही रहा है यहाँ काम, मतलब सही सेल हो जाए प्लांट्स? बहुत बढ़िया। तो आज आप हमें 5 ऐसे पौधे बताओ जो हम अपने इजीली घर में लगा लें और जो इजीली ग्रो हो जाए, और लो मेंटेनेंस प्लांट होने चाहिए वो। तो हमारे जो दर्शक हैं ज़्यादातर इन्हीं चीज़ की डिमांड रहे कि लो मेंटेनेंस प्लांट हो, ज़्यादा देख रेख ना करनी पड़े। ये कौन सा है जी? लाल टेना होता है। जोर से बताओ जी थोड़ा। लाल टेना लो मेंटेनेंस वाला पौधा है, वो फ्लावर्स देता है। अच्छा जी, और इसमें मल्टी कलर्स आते हैं या एक ही कलर है? इसमें कलर बहुत आते हैं। अच्छा जी, येलो आता है, रेड आता है। अच्छा जी, रेड और येलो। पर्पल आता है। इसका क्या कॉस्ट रहता है मैक्सिमम? मैक्सिमम 50 रुपीज़। 50 रुपीज़, और आपके यहाँ आराम से इजीली अवेलेबल हो जाएंगे? जी सर। अच्छा जी, और इसमें आपके पास कौन कौन से कलर हैं? इसमें येलो मिल जाएगा आपको। येलो भी है आपके पास? 50 रुपीज़ इसका कॉस्ट है, तो बिल्कुल मरने वाला प्लांट नहीं है, चल जाएगा इजीली। अगर हम इसे और अच्छी तरह ग्रो करना चाहते हैं तो इसमें और हमें ऐसे क्या डालना चाहिए कि ज़्यादा ग्रो करें अच्छी तरह? डीएपी डाल दें। और वाटर की रिक्वायरमेंट जो होती है वो कितनी होती है? खाद में डीएपी मिला के जी 15-20 दिन में एक बार दो चार दाने ग्रो करेगा। अच्छा, इजीली ग्रो कर लेगा। वाटरिंग का क्या प्रोसेस है इसका, मतलब डेली डाल लें या कभी कभी डाल लें? रोज। और अगर 2-4 दिन मतलब ना भी डाले जाए तो मरने वाला तो है नहीं प्लांट? नहीं नहीं, 2-4 दिन ना डाले तो कोई दिक्कत। अच्छा, और वैसे कितना बड़ा स्ट्रक्चर हो जाता है जिसका? ये ले लेता है हाइट आपकी कम से कम 4-5 फीट। 4-5 फीट तक ले लेता है। और इसका बोनसाई भी बन सकता है? कोई बोनसाई बन सकता है इसका? बन सकता है, कटिंग करके बन सकता है। अच्छा, वायरिंग करनी पड़ती होगी फिर तो? आप जमीन में लगाओगे तो इजीली ग्रो करेगा, ज़्यादा ग्रो कर लेगा पोर्ट के हिसाब से। ज़्यादा 10-12 फीट तक हो सकता है। अच्छा जी, पोर्ट में लगाए तो 4-5 फीट। 4-5 फीट जी जी, इतनी बड़ी पोर्ट में लगाएंगे तो 2-3 फीट जी। तो दूसरे प्लांट के बारे में बताओ जी आप हमें, और कौन सा इसके बाद जो सबसे ज़्यादा अच्छा ग्रो कर सकता है और लो मेंटेनेंस होना चाहिए? तो भाई साहब जी, आप दूसरे नंबर पर कौन से पौधे को रखना चाह रहे हैं? ये होती है गोल्डन मोरपंखी। गोल्डन मोरपंखी, गोल्डन थुजा बोलते हैं जी। ये कैसा प्लांट है ये? इसकी ग्रोथ तो थोड़ी स्लो है। ग्रोथ जो स्लो होती है। हाँ, अगर आप इसे जमीन में लगाओगे तो तेजी से ग्रो करेगा। हाइट 7-8 फीट तक हाइट रह जाएगी इसकी मैक्सिमम। अच्छा जी, और इसी की जो वैरायटी रखी इधर, ये कौन सी है? ग्रीन साइड है। अच्छा, क्रीना ग्रीन मोरपंखी थुजा, जिसे थुजा भी बोलते हैं वही है ना जी? अच्छा, ये भी बिल्कुल सेम झाड़ की तरह चलती है जी। इसे कटिंग की जरूरत पड़ती होगी? कटिंग की तो जरूरत है नहीं, अगर कटिंग करना चाहो आपको ये हैज में भी रख सकते हैं। आपकी जो दीवार के कोनों कोनों में हैज लगती है ना जी जी, इसे आप उसमें भी लगा सकते हो। इसे नहीं लगा सकते, सीधा थोड़ा सीधा चल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में लगाओगे दीवार की शेप में चलेगी ये भी जी जी। तो प्लांट होता है हाँ, वैसे बहुत काफी अच्छा, बहुत अच्छा है, धूप में चलेगा आपका, पानी की आवश्यकता कम होती है इसमें। अच्छा, पानी की रिक्वायरमेंट काफी कम होती है, और इवनिंग में ही पानी दे बस? इवनिंग मॉर्निंग दोनों टाइम पानी दे। हाँ, दोपहर में नहीं देना बस। दोपहर में जो धूप पड़ती है ना उसके कारण अगर पानी दोगे तो पत्ता जल जाता है इसका। पत्ता जल जाता है जी। इसमें और इसकी जो यूनिक सी वैरायटी भी है कोई, जो मतलब अभी तक नहीं देखने में मिली हो? नहीं, अभी तो कोई नहीं ऐसी वैरायटी। अच्छा, अभी फिलहाल बस यही है? जरूर बताएंगे आपको जी। तो आप तीसरे नंबर पर कौन से प्लांट को रखना चाहोगे? तो भाई साहब जी, चौथा पौधा कौन सा है जी? ये चेमीडोरा पाम कहलाता है। चेमीडोरा पाम, पाम की वैरायटी है। पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है और ये छाए में ही चलेगा आपका। ये छाए में ही चलेगा। हाँ। सेमी साइड में चल जाएगा, सेमी साइड में अगर लगाए तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिप्स नहीं खराब होने की, खुली हवा लगनी चाहिए। अच्छा जी, और इसमें जो पानी की रिक्वायरमेंट वो कम है ज्यादा है? बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है। तो भाई जो इंडोर प्लांट होते हैं उनमें पानी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल कम होती है जी जी। भाइयों, ये बात ध्यान रखने की है कि अगर हमें ये नहीं पता रहने का कि हमें किस पौधे में कितना पानी देना है तो पौधा खराब भी हो सकता है, क्यों भाई साहब जी? बिल्कुल होएगा जी। तो हमें ये चीजें पता रहनी चाहिए, ज्यादा पानी देने से भी पौधा खराब हो जाएगा और कम देने से भी
खराब हो सकता है, तो हमें पता रहना चाहिए कि इसे कितने, पहली बात तो हमें पोर्ट के हिसाब से, जितना पोर्ट है उसके हिसाब से हमें इसमें वोटरिंग करनी चाहिए। कि ये तो है नहीं कि हमने पोर्ट तो छोटा सा यार वोटरिंग इसमें हमारे टाइम कर रहे हो, वो भी गलत हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं होने का जी, 3 से 4 फीट हाइट लेगा बस, 3 से 4 फीट तक ही मैक्सिमम इसकी हाइट होती है, इससे ज़्यादा कम ही बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ये प्लांट होता है आपका घर में रखने लायक होता है। अच्छा, अगर हम एक बात पूछने की है भैया जी, जैसे कि इसके जो बल्ब्स हैं वो भी निकलते रहते हैं साइड में से, साइड में से निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे, पूरा भर जाएगा ये। अच्छा, पूरा भर जाएगा, जैसे निकल दी लीज, जैसे जैसे बड़ा होगा होल लीज निकलेगी। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, काफी भर जाएगा ये, पूरा भर जाएगा, काफी सुंदर प्लांट है ये भी। ये पाम की वैरायटी है, ये ज्यादा मतलब ज्यादा सेलिंग के लिए ज्यादा यही होती होंगी, ज्यादातर लोग बाग जो है पाम की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट रहे हैं, पाम की तरफ अट्रैक्ट, क्योंकि इसकी काफी सारी वैरायटी है, यूनिक यूनिक सी है। पाम तो काफी बड़े बड़े हो जाते हैं जो धूप में चलते हैं, ये छोटा है, ये ड्वार्फ वाला है, ये घर के अंदर चलेगा, घर के अंदर चलेगा सेमी साइड में, और आप बिल्कुल आप इजीली से चला सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। इसमें खाद की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी जी, खाद में क्या डालना, तो मिट्टी में मिला के डालना बस, शुरू में बस वही डालना। ये पोर्ट में लगेगा आपका प्लांट, कितने बड़े पोर्ट में लगाना सही रहेगा जी, ये 12 इंची में लगा दो आप, 12 इंची के पोर्ट में बिल्कुल इजीली चलेगा, फिर मतलब चेंज करने की रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है रिपोर्टिंग करनी है बड़ा हो रहा है जी, तो फिर आप कर सकते हो, लेकिन रहेगा छोटा, ये ज्यादा बड़ा होता नहीं। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है कि भाई बार बार रिपोर्टिंग से बचेंगे, तो इसलिए तो ये मैं तो आपको रिक्वायरमेंट करूंगा, भाई साहब भी यही कह रहे हैं कि ये पौधा आप जरूर लो, और काफी अच्छा और सुंदर पौधा है ये, और बिल्कुल आपको हर नर्सरी में वैसे इजीली मिल जाएगा, और भाई साहब जी की नर्सरी में तो यहाँ पे आई है, इनका भी नंबर मैं दे दूँ आपसे, तो आप यहाँ पे भी जाके देख सको, इन पर काफ़ी सारी यूनिक वैरायटी है, काफ़ी सारी हैं, मैक्सिमम तो सारी ही मिल जाएंगी। तो भाई साहब जी अगर हम पाँच पौधे में कौन से गुरु रख रहे फिर आप, ये क्या लगते हैं, कैवेरिना बोल, कैजुरीना बोल, काफ़ी सुंदर प्लांट है ये भी, बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, मैं तो इसे लेके जाऊँगा जरूर। अच्छा, क्या कहाँ की वैरायटी है जी, ये आंध्रा की है जी, आंध्रा की है, पहली बार ही आया यहाँ पे या पहले से ही अवेलेबल है ये, इसी साल आया जी, इसी साल ही आया, यूनिक है यानी यहाँ के लोगों के लिए तो यूनिक ही हो गया ये। इसका क्या प्राइस रहता है जी, समथिंग 400 है जी, 400 रुपये रहता है, और इसमें छोटे पीस भी मिल जाएंगे इसके, इतना ही हाइट का है सब, छोटा बिल्कुल छोटा भी लगेगा, तो हमने बनाया हुआ है बोल की तरह। अच्छा, ये आपने खुद मतलब वो बनाया हुआ है, अच्छा हमारे पास, अच्छा जी, अच्छा जी, ये भी लो मेंटेनेंस प्लांट है। हाँ। और मरने वाला नहीं है, ना मरने वाला पौधा नहीं है, धूप में चलेगा ये आपका, आउटडोर चलेगा, आउटडोर चलेगा। और पानी की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी इसे, पानी रोज डालना है, पानी तो हर पौधे में रोज डालना है, रोज ही डालना। हाँ। ये नहीं है कि इवनिंग में डालना है, पर इवनिंग में डालना, दो दिन छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, सर्दी में 3-4 दिन छोड़ के डाल दो, जैसे ऐसा हो जाता है कि सर्दियों में ऐसे पौधे मरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, नहीं मरने का नहीं है, परमानेंट पौधा है, परमानेंट है, चले चलता रहेगा। देख लो भाई, बहुत सुंदर प्लांट है ये, और ये भी भाई के यहाँ नर्सरी में अवेलेबल है, और बहुत ही अच्छा इसका जो डिजाइन है वो काफी सुंदर है, और देखने में बहुत बढ़िया लग रहा। और इसकी हाइट क्या रहती है भाई साहब, मैक्सिमम हाइट तो इसकी आप ज्यादा 2.5-3 फीट कर लो, ये बोल के हिसाब से बनता है, इसका बोनसाई भी बन सकता है, बोनसाई ही बनेगा इसका, इसका बोनसाई ही बनेगा के लिए बना रखा हमने जी। ये जो कटिंग होती है आपके पत्ते होते हैं जी जी, ये इसे करके जी, ये हम यहाँ से काट देते हैं, अच्छा सब बिल्कुल बोल बना देते हैं, फिर ये बोल की शेप में आ जाता है, बोल की शेप में आ जाता है, और काफी सुंदर पौधा है ये। कितने का बताया जी फिर भी आपने, ये 400 रुपये का, 400 रुपये का पौधा यू भाई की नर्सरी में मिल जाएगा, और आप बिल्कुल यहाँ से ले सकते हो इसे, और बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है यहाँ पे। और वैसे तो भाई साहब पर सारी ही वेरायटी हैं, मैं तो कहूँगा आप एक बार भाई की नर्सरी में जरूर आओ यहाँ। तो भाई साहब जी धन्यवाद आपका हमारी नर्सरी आपके यहाँ पे जो हम आए, और आपने हमें इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद आपका।